Hello guys, very good evening to all of you and my name is Viren Singh. Welcome to the Smart Learning Academy. So इस क्लास की बात करता हूँ, that is last minute tips for the CSIR December 2019. तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे कुछ last minute tips जो कि CSIR December 2019 के related है. तो tip number one की बात करता हूँ, तो कल सुबह morning में आप कुछ भी पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है वो layer by layer सोचने की कोशिश करता है. तो अगर आप कल सुबह पढ़ेंगे तो वही चीज़ें आपके ब्रेन को ओवरलैप कर देंगे जो आपने 6 महीने की प्रिपरेशन करी है, तो वो चीज़ें जल्दी याद आएंगी, पीछे की चीज़ें मिक्सअप सी लगेंगी. सो टिप्स नंबर वन, डोंट रीड एनीथिंग टुमारो. टिप्स नंबर टू, दैट टेक द इनफ स्लीप. 12 बजे या 11 बजे तक आप सो जाइए और इनफ स्लीप लीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए, ताकि आपकी जो ब्रेन है, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छे तरीके से काम करे. दैट इज द टिप्स नंबर टू. टिप्स नंबर थर्ड, वेकअप करते हैं जब भी आप उठते हैं सुबह 5 बजे 6 बजे, या जब भी आप वेकअप करें तो याद रखे रहिए अपने आप से आपको क्या बोलना है, दैट आई कैन डू इट. मिरर में खुद को देखिए और बोलते रहिए आई कैन डू इट जब तक कि एग्जाम ना खत्म हो जाए. टिप्स नंबर फोर, दैट इज पीस दीजिए अपने माइंड को. ज़्यादा शोर शराबा वाली चीज़ें ना करिए, पीस रखिए. आप म्यूजिक सुन सकते हैं या इस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, अपने आप को शांति से मेडिटेट कर सकते हैं या बैठ सकते हैं. दैट इज द टिप्स नंबर फोर. टिप्स नंबर फाइव की बात करते हैं, नेवर मिस द ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट खाए बिना आप मत जाइएगा एग्जामिनेशन सेंटर में, क्योंकि ब्रेन को फंक्शन करने के लिए ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए और एनर्जी फूड से मिलती है. अब ब्रेकफास्ट आपका ना ही ज़्यादा हैवी होना चाहिए, ना ही आपका लाइट होना चाहिए. ब्रेकफास्ट थोड़ा सा मीडियम जूस ले सकते हैं या कुछ ये सारी चीज़ें ले सकते हैं. टिप्स नंबर सिक्स, बिफोर लिविंग द रूम, जब भी आप रूम को लीव कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों पर आप टिक मार्क ले. क्या पास है? आपका एडमिट कार्ड आपके पास है, लेटेस्ट एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, आपकी आईडी कार्ड आपके पास होनी चाहिए, और अपने साथ एक पेन और पेंसिल भी कैरी करें. टिप्स नंबर सेवन, दैट आपका जो फोन है उसको रात में सोते वक्त बंद कर दें. और तब तक ना ओपन करें, सुबह अपने फोन को ओपन ना करें. उसको ओपन करें कब? जब आप एग्जाम को खत्म कर लें तब आप अपने फोन को ओपन करें, क्योंकि सुबह के डिस्ट्रक्शंस, कई ऐसे दोस्त आपको मिलेंगे जो सुबह पूछेंगे यार बहुत परेशान है ये सारी चीजें, तो आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है. टिप्स नंबर एट, दैट इज द अनवांटेड फेसेस. कई बार एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको मिलते हैं अनवांटेड फेसेस, जिनके फेस आप देखना नहीं चाहते, जो कि अरे यार ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस वहाँ पे आती है. तो इन चीज़ों से बचने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, दैट अपना नाम देख लीजिए, आप किस लैब में आपका रोल नंबर लोकेटेड है, और उसके बाद किसी कोने की जगह पकड़ के बैठ जाइए या रेस्ट करिए या जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं. लेकिन अगर आप गेट के सामने खड़े रहेंगे तो ऐसे फेसेस आपको मिलेंगे और उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है. टिप्स नंबर नाइन, मैप को लोकेट कर ले, अपने मैप को लोकेट कर ले. जहाँ पे भी आपका लोकेशन है सेंटर, मैप के थ्रू देख ले कि कितना टाइम लगेगा, किस रूट के थ्रू जाएंगे आप, कौन सा रूट आप फॉलो करेंगे, कि हाँ ये वाला लंबा रूट फॉलो करना है, किस पे ट्रैफिक लगता है, ताकि आपको कैब अगर बुक करना है किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन है वो आप फिल कर ले. खास करके यूपी में रहने वाले लर्नर्स जो हैं वो कर ले, क्योंकि यूपी में यूपी पीएससी का भी एग्जामिनेशन है. टिप्स नंबर 10, जब भी आप एंट्री करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन में क्यू में खड़े हो, इंटर करने के बाद रूम में वॉशरूम में जाइएगा. वॉशरूम में जाके मिरर में देखिए, क्या देख के बाद कम से कम 10 बार अपने आप से बोलना है आई कैन डू इट. क्या बोलना है? आई कैन डू इट. अगर आप ये बोलते हैं तो डेफिनेटली वो एनर्जी को आपके बूस्ट कर देगा. उसके बाद बात करते हैं कि हमेशा स्माइल करते रहिएगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा, बिकॉज अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स निकलती है आपसे, और वो देख के थोड़ा लोग घबरा भी सकते हैं कि यार ये इतना खुश क्यों है, तो उससे आपको और अच्छा लगेगा अगर ये सारी चीज़ें चलती हैं. इसके बाद बात करता हूँ इनसाइड 80 मिनट्स आपको क्या करना है. आपको एक पेपर शीट लेना है, पेपर शीट में किस तरीके से मार्क करना है, A4 शीट पे मार्क कर लीजिए कि किस किस क्वेश्चन पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं पार्ट सी में, 71 से लेके 145 मार्क कर लीजिए. उसमें क्वेश्चन को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से यूनिट को मेंशन कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन में आसानी हो. ठीक है, जो काउंट डाउन प्रोसेस होता है, जब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 1 मिनट की जब बात होती है तो उसमें एक काउंट डाउन होता है, यार 1 मिनट बचा, 2 मिनट बचा, उससे कम होता चला जाता है तो और एंजाइटी और नर्वसनेस बढ़ता रहता है. उसको कम करने के लिए एक लाइन अपने आप से बोल सकते हैं, वो लाइन मैं आपसे बोलने के लिए कहूँगा. वो लाइन क्या है? कहते हैं कि मंजिल तक पहुँचने से पहले रुक जाए मेरे कदम, मंजिल तक पहुंचने से पहले रुक जाए मेरे कदम, ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं. मंजिल तक पहुंचने से पहले रुक जाए मेरे कदम, ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं. फैसला होने तक हार कैसे मान लूं, जग अभी जीता नहीं,
मैं अभी हारा नहीं, तो आप ये बोल सकते हैं अपने लिए, अपने आप को लास्ट मिनट में उस नर्वसनेस से उससे मोटिवेट करने के लिए, अपने जो सेक्शंस है उसको डिवाइड करने, अपने जो टाइम स्लॉट है आपका 100 मिनट्स आप पार्ट सी के लिए दें, 40 टू 50 मिनट्स आप पार्ट बी के लिए दें और 30 मिनट्स पार्ट ए के लिए दें। जो ऑर्डर होना चाहिए आपका सेलेक्ट करने के लिए, पार्ट सी को पहले सॉल्व करें, फिर पार्ट बी को, फिर पार्ट ए को, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जब भी आप सॉल्व करते हैं सीबीओ मेथड जरूर लगाइएगा, ठीक है, सीबीओ मेथड जरूर लगाइएगा। अगर पेपर हार्ड भी हो सकता है, पेपर इजी भी हो सकता है। अगर पेपर हार्ड होता है तो अपने आप को थोड़ा काम करिए, डीप ब्रीथ लीजिए और कहिए कि आप अपना बेस्ट देंगे और रिजल्ट भी बेस्ट होगा। अगर इजी होता है तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। उसके बाद ड्यूरिंग द टेस्ट आपको क्या करना है कि अगर क्वेश्चन कोई भी आप कहीं पे स्टक कर जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं, तो उस पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आगे बढ़ जाएं और दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। एक बार और याद रखें टिप्स में कि आपके पार्ट सी में एक क्वेश्चन करने के लिए ऑलमोस्ट 4 मिनट मिलेंगे, पार्ट बी में करने के लिए 1 से 1.5 मिनट और पार्ट सी में करने के लिए आपको ऑलमोस्ट 2 मिनट मिलेंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि पहली चीज की हमेशा देखिए कि उन्होंने करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। सीबीओ मेथड लगाना है। व्हाट इज सीबीओ मेथड? सीबीओ मेथड का मतलब है दैट इज द कॉमन सेंस। ओबीसी मेथड और सीबीओ मेथड इसको बोलते हैं। ओबीसी का मतलब है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, बेसिक नॉलेज एंड कॉमन सेंस। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाइए अपने बेसिक नॉलेज को यूज करके और कॉमन सेंस को यूज करके। कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन लेकिन इसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि आपको क्या करना है, कुछ एब्सोल्यूट स्टेटमेंट जैसे कैन नॉट, ऑलवेज, एक्सक्लूसिवली, ये गलत होते हैं। जैसे पॉसिबल स्टेटमेंट, कैन बी, माइट बी, ये सारे स्टेटमेंट जो होते हैं सही होते हैं। ऑड वन आउट केसेस पकड़िए। जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं, एक ही दो ऑप्शन सिमिलर से रहेंगे लेकिन अलग अलग बात कहेंगे, उनमें से एक सही होता है, ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इन द एंड ऑफ द एग्जाम में अगर आपके पास 5 मिनट मिलता है तो प्लीज क्रॉस चेक कर लें कि आपके जो भी क्वेश्चंस जो भी हैं वो आपने सही ऑप्ट किए हैं या नहीं किए हैं। सो गाइस, अ वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन जो आप देने वाले हैं, उसके लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और लास्ट में वही लाइन मैं फिर से रिपीट करूंगा कि मंजिल तक पहुंचने से पहले रुक जाए मेरे कदम, ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं, फैसला होने तक हार कैसे मान लूं, जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।